सिटी करनाल में कांग्रेसी नेताओं ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एकत्रित होकर सरकार की एससी एसटी आरक्षण कमजोर करने के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार की तरफ से एससी एसटी एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी नेता पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे, जहां पर तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव दलित एवं कमेरे वर्ग की विरोधी रही है, जिसके विरोध में वह समय समय पर गरीबों को कमजोर करने के कानून पारित करती रहती है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इस मौके पर पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, जिला कांग्रेस के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह, विधायक शमशेर सिंह गोगी, अरविंद मानिटू, पंकज पुनिया, पूर्व विधायक भीम सिंह मेहता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए समाचार एक्सप्रेस की यह एक खास रिपोर्ट। आज आरएसएस का जो एजेंडा था, जो वो मनुस्मृति इस देश में दोबारा से लागू करना चाहते हैं, जो आरक्षण विरोधी इनकी नीति है, वही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आज वो बेनोक नकाब हो चुका है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने लिख के दिया है कि रिजर्वेशन जो है वो राज्य सरकार उसके लिए बाधित नहीं है, तो आज भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिख के कुछ देती है और जनता के सामने कहती कुछ है। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण के पक्ष में अपना हमेशा स्टैंड रखा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सभी कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो रिजर्वेशन की पॉलिसी जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक लागू रही, आज कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सुप्रीमो और इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये प्रश्न करती है कि वो आरक्षण के को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के हक में है या उनके रिजर्वेशन के खिलाफ है। और कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करती है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पहले भी आरक्षण के समर्थन में थी, आगे भी आरक्षण के समर्थन में रहेगी। आज क्या प्रदर्शन? आज जो कि भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी मनसा के मुताबिक वो रिजर्वेशन के खिलाफ लिख के दिया है, तो आज करनाल में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में यहाँ के तहसीलदार राजबख्श जी के मार्फत एक ज्ञापन हमने सरकार को सौंपा है कि वो होश में आए और रिजर्वेशन के पक्ष में अपना मत रखे, रिजर्वेशन को और मजबूत करने की जो आवश्यकता है उसके पक्ष में बात करें। के बारे में देखिए, सबसे पहले आज का जो प्रदर्शन हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के विरोध में हुआ है, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार थी इसकी नीति थी कि आरक्षण में क्या था, उनका सोच ये थी कि आम जन जो गरीब वर्ग है, चाहे वो एससी वर्ग है, चाहे एसटी वर्ग है या बीसी वर्ग है, उन सबको, देश के हर नागरिक को बराबर लाया जाए। पर जो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसका क्या है, इसका एक उद्देश्य है मनुस्मृति की तरह वर्ग भेद लागू किया जाए, उसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का बंटवारा किया जाए। पर कांग्रेस सरकार इस बीजेपी सरकार के विरोध में ये कहती है कि आप इस आरक्षण को जो आप बंद करना चाहते हैं वो गलत है, क्योंकि जो आरक्षण है वो हमारे संविधान में भी बोला गया है कि सभी वर्गों को बराबर लाया जाए, तो उस सभी वर्गों को बराबर लाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी आरक्षण का समर्थन दे रही है वो उचित है और हम इसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं। देखिए, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद जो एक आज पूरे हिंदुस्तान पे जाहिर हो चुका है कि खुद ही सरकार अपनी सरकारों से जाके के पीआईएल दाखिल करवाती है और स्टेट के अंदर कानूनों को, जो एससी एसटी के कानून थे जो उनको ताकत देने का काम करते थे, आरक्षण के जो कानून थे उनको मजबूत करने का काम करते थे, उनको सरकार कहीं ना कहीं कमजोर करने का लगातार काम कर रही है। तो आज हमने मांग की है कि सरकार उसको उस कानून के अंदर बदलाव न करे और पार्लियामेंट के अंदर एक लेके बिल लेकर क्या है, जिससे जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश से जिसके द्वारा ये सारे कानून आरक्षण के जो कानून है, जो हक हैं, जो आम आदमी को, गरीब आदमी को संविधान के तहत प्राप्त हैं, उसको कमजोर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मिलीभगत करके कम कर रही है, हमारी मांग है कि उन आरक्षण को बचाया जाए, गरीब आम आदमी को उसका हक मिलना चाहिए। और हमने आज इसको लेकर के, बढ़ती महंगाई को लेकर के, उसको लेकर के आज हमने ये ज्ञापन डीसी को दिया है और हमारा प्रदर्शन था। हमारी सरकार से दरखास्त भी है, मांग भी है कि गरीब को उसका हक और गरीब को न्याय मिलना चाहिए। और आरएसएस की भूमिका बड़ी है, उनकी मानसिकता प्रभावी हुई है। देश में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा,
कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनके आरक्षण के अधिकार पर किसी ना किसी प्रकार से कुल्हाड़ी चलाई जाए, उन अधिकारों को कम किया। इस बारे में पहले भी सारे देश में बड़े प्रभावी प्रदर्शन हुए हैं सरकार के खिलाफ, और अब जब उत्तराखंड की हाईकोर्ट द्वारा एससी एसटी के नौकरी और उनके प्रमोशन के अधिकारों में आरक्षण को निरस्त किया गया और उसके खिलाफ सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पैरवाई ना की गई, जिसकी वजह से कानून है जिसकी वजह से ऐसी टिप्पणी सरकार उसकी आई सुप्रीम कोर्ट, इससे एससी और एसटी के अधिकारों पर आरी चली है। तो आज हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से कांग्रेस जन यहाँ पर एकत्रित होकर भारत की सरकार को जगाने आए, चेताने आए, और एक मेमोरेंडम के माध्यम से हमने मांग की कि जो कानून सरकार की कमजोरी से, सरकार की नाकामी से, निकम्मेपन से। जी सर, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार के समय जी जिस प्रकार से आरक्षण विशेषकर नौकरियों के अंदर या प्रमोशंस के अंदर कोर्टों द्वारा इसको लिक्विडेट किया गया है, अब इंटर तो यार मोटा बहुत है, और सरकार चुप बैठी रही और सरकार ने ऐसा होने दिया। अरे यार, भारतीय जनता पार्टी सरकार की सहमति से आज गरीब परिजनों को उनका शेड्यूल ट्राइब्स के हकों पर कुल्हाड़ा चल रहा है, उसके विरोध में आज हम कांग्रेस जन सभी एकत्रित होकर यहाँ पर उपायुक्त महोदय के माध्यम से भारत की सरकार को एक मेमोरेंडम देने आए हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से जो कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया है उसको निरस्त करने के लिए, जो कि गरीब विरोधी है, एससी एसटी विरोधी है, उनके हकों पर कुल्हाड़ा है, उसको निरस्त करने के लिए तुरंत पार्लियामेंट में इसका कानून लेकर आएं और इसकी इस कानून को निरस्त करें और हरिजन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनकी नौकरियां और उनकी नौकरियों में प्रमोशन के हकों को महफूज रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुरंत कदम उठाए। क्या कारण क्या मानते हैं जो इस तरह से आप कह रहे हो कि भी वो आरक्षण हटाना चाहते हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां कई बार, जैसे आरएसएस के अध्यक्ष ने ये बयान दिया कि आरक्षण को आस्था आस्था हमें खत्म करना है, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आरक्षण विरोधी है और वो आरक्षण के खिलाफ उनका मानसिकता है, यही कारण है कि इस प्रकार के कानून सामने। देखिए, आज जो हमारा एजेंडा है ये बीजेपी का जो दलित विरोधी चेहरा है उसको बेनकाब करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने में एक याचिका डाली गई थी यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से भी जो आरक्षण है इसको खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये जवाब दिया भी ये स्टेट पे छोड़ दिया जाए, जब स्टेट पे छोड़ दिया जाएगा तो स्टेट अपनी मन मर्जी करेगी। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी जो है दलित विरोधी सरकार है। हम चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि जो आरक्षण है वो जारी रहना चाहिए। आरक्षण के माध्यम से ही गरीब जो दलित वर्ग है उनको नौकरियों में सहारा मिलता है, वो आगे बढ़ पाते हैं। आज नेशनल लेवल पे पूरा हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी हर जगह आज मेमोरेंडम देगी। मेमोरेंडम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 70% लोग ये चाहते हैं आरक्षण जारी रहे, तो ये जारी रहना चाहिए। ये दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है, दिल्ली में भी हो चुका है, हरियाणा में भी हो चुका है। ये भाई भाई को बांट के आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो ये आरक्षण है समाप्त नहीं होना चाहिए। कहां से कहां जाएंगे? अभी हम वो डीसी के कैंप कार्यालय में जाएंगे, वहां पे जाकर मेमोरेंडम देंगे। मेमोरेंडम के माध्यम से हम ये जताना चाहते हैं कि जो आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट में है उसमें दोबारा याचिका दायर करके इसको रोकें। और भी कोई मुद्दा है? इसी तरीके से बचाया जा सके, ना इनको संविधान की चिंता है ना देश की चिंता है। कहां से कहां जाएंगे आप?
ये डीसी के कैंप ऑफिस। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, बजट सत्र आ रहा है, बजट को लेकर शमशेर सिंह गोगी करनाल के लिए, असंध के लिए क्या बातें सदन के अंदर उठाने वाले? मैंने 8 क्वेश्चन लगाए हैं, वो तो अपने असंध के लिए है जिसमें ये जीरी घोटाला भी है और भी बहुत सारी बातें हैं। बाकी हमारी कल 9:30 मीटिंग है, सदन की बात मैं उससे पहले कुछ नहीं कह सकता। जो भी बात उठाने की ड्यूटी लगेगी पार्टी के लेवल पे उसका फैसला होगा, वो कल 9:30 मीटिंग है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.